जय हिंद दोस्तों, आज हम मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की विशेषताएं और मूल्यांकन का महत्व। चलिए हम शुरू करते हैं। हम लेते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा, जब हम कोई कार्य का शुरुआत करते हैं तो एक निश्चित योजना बनाते हैं तथा उसी योजना के अनुसार कार्य को करते हैं। कार्य की समाप्ति होने के पश्चात हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो उसमें क्या कमियां रह गई, इस कार्य को करने में किसका योगदान अधिक था तथा विचारों का पूर्ण अभिव्यक्ति हुई या नहीं हुई। इस प्रकार की जानकारी हम सामान्यतः मूल्यांकन कहा जाता है। ऐसे ही प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किए जाते हैं। शिक्षा के संपूर्ण प्रयासों के परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आके जाते हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है और बच्चों के विकास को मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से जांचा जा सकता है। मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। देखिए किस प्रकार से विद्वानों का विचार। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित है। यह विद्यार्थियों को अध्ययन आदतों, अध्यापक की निर्देशन विधि पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इस प्रकार से न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इसे सुधारने में भी सहायता मिलती है। उसके बाद आता है जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संबंध में छात्रों को प्रगति की जांच की जाती है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना निर्देशित करता है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया ना होकर यह सकारात्मक प्रक्रिया है। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य की सीमा तक प्राप्त हुई है, किस सीमा तक प्राप्त हुई है लक्ष्य, और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य किए गए हैं। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य शिक्षा उद्देश्यों बच्चों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास करना है। इसके द्वारा उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में हुए परिवर्तन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों में गुणों, योग्यताओं एवं कुशलताओं के आधार पर असमानताएँ होती हैं। यदि एक बच्चा किसी काम को ठीक ढंग से कर लेता है तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी उस काम को ठीक ढंग से कर सके। विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तित्व भिन्नताएं के बारे में पता लगाया जा सकता है। शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी बच्चों को समझने में परीक्षण सहायता करते हैं। ऐसा तभी संभव है जब हमें मूल्यांकन उद्देश्यों की जानकारी हो। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की पहली विशेषता, ये निरंतरता होती है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली है जो सारे वर्ष चलती रहती है। इसे हम साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक परीक्षाओं में बांटते हैं। इन्हीं परीक्षाओं में विद्यार्थी के कार्य पर उनकी तरक्की निर्भर होती है। दूसरा, व्यापकता। सही मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक आदि शामिल होते हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य व्यक्तित्व के सभी पक्षों को संतुलित विकास करना है। तीसरा, केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। मूल्यांकन केवल कक्षा तक सीमित ना होकर कक्षा के बाहर भी होता है, जो समाज सेवा, सहयोग, जीवन के ऐसे ही अन्य पक्ष मूल्यांकन कक्षा के बाहर की क्रियाओं में भी होती है। जैसे कि बच्चों के अपने दोस्तों के साथ खेल कूद, समाज यानी आस पड़ोस में जाना, ऐसे बहुत सारी हैं।
अगला है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के सुधार के लिए किया जाता है। यह लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों का निर्माण करता है तथा अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, जो उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने पर ध्यान देता है। अब आ गया मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन का महत्व क्यों है? शिक्षा की प्रक्रिया एक निश्चित योजना के अनुसार चलती है। इसी योजनाएं को विविध चलाने के लिए मूल्यांकन हो सकते हैं, ताकि यह जान सके कि यह प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है या नहीं। मूल्यांकन का महत्व इस प्रकार है। पहला है विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच करना। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न उपलब्धियों की जांच की जाती है। इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि विद्यार्थी ने विषय में वांछित कुशलता प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली है। अगला है प्रेरणा के रूप में परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वह लक्ष्य स्पष्ट कराना है जिन्हें उन्हें प्राप्त करना होता है, क्योंकि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करते हैं। अतः मूल्यांकन परिश्रम के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, जो उन्हें अपने परीक्षा पे ध्यान दिलाता है। तीसरा है निर्देशन प्रदान करना। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिवृत्तियों, बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर छात्रों को निर्देशन व परामर्श दिया जाता है। चौथा है पाठ्यक्रम में सुधार करना। इसके द्वारा हम पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार किए जाते हैं, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों की रुचियों का मापन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।